नमस्कार बच्चों, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट चलेगा कि आर्थिक सुधार या राजनीतिक सुधार या वैचारिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए औद्योगिक क्रांति के द्वारा। देखिए, औद्योगिक क्रांति होती है जिसके कारण अमीरी गरीबी या राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव, लोगों की मानसिकता में, वैचारिक विचारों में, उनके ओपिनियंस जो हैं वो चेंज होती है, जिसके बारे में अभी देखते हैं अपने कि आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आए, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या क्या थे और औद्योगिक क्रांति के द्वारा कैसे है। देखो, एक तो गरीबी बढ़ी या फिर आप कह सकते हो आर्थिक असंतुलन बन गया या बढ़ता गया, आर्थिक संतुलन जो है वो खराब हो गया। वो किस प्रकार से आर्थिक संतुलन का मतलब हो गया कि समाज के सभी वर्ग लगभग एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के बराबर हो, लेकिन इसमें क्या होता गया कि गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब होता गया और अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता गया। जैसे आजकल अपने देखते हैं अभी भी पूंजीवादी सिस्टम में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आर्थिक असंतुलन बन गया, गरीबी बढ़ी, इसके अलावा शहरों का ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि जो पूंजीवादी लोग थे वो शहरों में ज़्यादा रह रहे थे, तो शासन ने भी और उन्होंने भी अपने ही क्षेत्र का विकास करने पर ज़्यादा प्रयास दिया, उसके बजाय गाँव के विकास में क्या है ढील बरती गई या गाँव का विकास क्या है नाम मात्र के लिए रह गया था, गाँव के विकास में ज़्यादातर कार्य नहीं हुए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो कुटीर उद्योग के चलाने वाले लोगों को हुआ, कुटीर उद्योग जो हैं वो नष्ट हो गए। अब इतने बड़े स्तर पर जब उत्पादन हो रहा था तो छोटे छोटे स्तर पर जो उत्पादन करने वाले थे उनके खर्चे या उनके जो पहले की जो पूंजी उन्होंने लगाई है, इन्वेस्ट किया है, वो उसकी पूरी भरपाई नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे क्या है ये चीज़ें नष्ट होती गई। इसके अलावा एक चीज़ जो क्या है औद्योगिक क्रांति के द्वारा आई वो है औद्योगिक आर्थिक पूंजीवाद आ गया, औद्योगिक आर्थिक पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा जितना कमा रहा है, जितनी एबिलिटी है उसके अनुरूप उसकी जो आमदनी है वो बढ़ती जा रही थी, पूंजीवाद बढ़ता जा रहा था आर्थिक रूप से। द सेकेंड जो अपना पॉइंट आएगा वो होगा राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए, राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। देखो, राजनीतिक परिवर्तन के तहत क्या क्या हुआ, एक तो क्या है मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत हो गई क्योंकि यही मध्यम वर्ग था क्या, व्यापारी उद्योगपति या सेवा क्षेत्र के लोग, अब इनका ही सब कुछ काम धाम जो सारा जो चल रहा था वो इनका ही चल रहा था, तो इनकी स्थिति मजबूत होना स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, इन्हीं मध्यम वर्ग के लोग जो थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनकी क्या है महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि भई हमें अब राजनीति संभालने दीजिए, हम क्या है देश को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी ये महत्वाकांक्षाएं क्या है लगातार बढ़ती गई। नैतिकता का क्या है यानी राजनीतिक नैतिकता का पतन होना शुरू हो गया, अब राजनीति जो है वो कायदे कानूनों से नहीं फायदे और नुकसान को देखकर शुरू हो गई थी लगातार। इसके अलावा जो देश थे उनमें क्या है औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन बढ़ गया कि कितने ज़्यादा देश जो हैं वो कितने अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर ले, अपना उपनिवेश जमा ले, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि उनके जो उत्पादन की गई चीज़ें हैं उनके लिए बाज़ार मिलेगा, दूसरा वहाँ से कच्चा माल ला सकते हैं, तीसरा वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको पर कब्जा करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं, मजदूर मिल सकते हैं फ्री में और उनको निवेश करने के लिए एक बाज़ार या जो चीज़ निवेश के द्वारा उत्पादन की गई है उसकी खपत के लिए भी बाज़ार मिल सके, उपनिवेश करना, उपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी इसके कारण। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग था उसमें भी क्या है सुधार हुआ, उसने भी क्या है संगठन बनाना शुरू कर दिए, मजदूरों ने भी क्या है अपने फायदे हेतु संगठन बनाना शुरू कर दिया और मांग को पूरा करने के लिए वो क्या है धरने पर बैठना, हड़ताल करना, आंदोलन करना,
ये कार्य क्या है मजदूर वर्ग ने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था अब कि यूनिटी में क्या है, स्ट्रेंथ है, अब हमें क्या है संगठन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे अपने राजनीतिक परिवर्तन। नेक्स्ट जो अपने परिवर्तन है वो है सामाजिक परिवर्तन। क्या क्या होते हैं नेक्स्ट परिवर्तन क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन। और उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो वैचारिक परिवर्तन का, कि औद्योगिक क्रांति से चार प्रकार के परिवर्तन हुए या जो परिणाम थे वो चार प्रकार के थे, कि आर्थिक परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम क्या थे, और अभी देखते हैं अपने सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम, अब देखो अभी समाज में क्या है, नैतिकता धीरे धीरे नष्ट होने लगी, नैतिकता नष्ट होने लगी। संयुक्त परिवार का जो फॉर्मूला चल रहा था वो अब यूज नहीं होता था, संयुक्त परिवार का जो प्रथा थी वो अब क्या है विलुप्त होती जा रही थी। लोग संयुक्त परिवारों की बजाय छोटे छोटे परिवारों के रूप में रहने लगे, शहरों में जाकर उनको क्या है शिक्षा हेतु या फिर काम हेतु अलग होना पड़ रहा था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है गंदी बस्तियां बढ़ने लगी, क्योंकि मजदूर जो लोग थे वो शहरों में आकर बसते थे और शहरों में क्या है गंदी बस्तियां बढ़ने लगी। मजदूर वर्ग जो था उसके पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो अपने लिए अच्छा घर बना सके, अपनी अच्छी जगह पर रह सके, जिसके कारण क्या है वो बस्तियां बनाकर रहने लगे, और वहां पर इतनी उच्चतम व्यवस्था थी नहीं क्योंकि उन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता था, तो वो क्या है गंदी बस्तियां लगातार बढ़ने लगी और यह क्या है शहरों के लिए एक प्रकार की समस्या भी बन गई। लास्ट जो अपना है वो है वैचारिक परिणाम क्या थे, वैचारिक परिणाम क्या क्या रहे। देखो वैचारिक परिणाम के तहत क्या क्या है, एक तो पूंजीवाद, दूसरा उदारवाद और तीसरा समाजवाद, ये तीन प्रकार के वाद जो हैं वो उत्पन्न होने लगे। वैचारिक परिवर्तन इस प्रकार का, आर्थिक स्थिति के कारण उदारवाद, समाजवाद और पूंजीवाद का क्या है जन्म हो चुका था। अब जो विश्व है वो इन प्रकार के हिस्सों में बंट चुका था कि कोई तो है देश वो पूंजीवाद रहेगा और कोई देश क्या है समाजवादी व्यवस्था को संभालेगा या अपनाएगा। और उदारवाद का मतलब हो गया सभी के लिए अपने दरवाजे खोल देना या सभी को व्यापार करने की अनुमति देना या हर जगह व्यापार होना, तो उन चीज़ों का भी विकास होने लगा, क्योंकि उदारवाद जो है वो व्यापार के दृश्य से या व्यापार की दृष्टिकोण से क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो कुछ देशों ने पूंजीवाद व्यवस्था को संभाला या समाजवादी व्यवस्था को संभालने वाले कुछ देश थे, वहीं कुछ क्या है लगभग हर ने उदारवाद का सहारा लिया, क्योंकि अपने क्या है व्यापार को सभी देशों को बढ़ाना था। अब ये पॉइंट अपना जो है औद्योगिक क्रांति का पॉइंट जो है वो पूरा होता है, और नेक्स्ट जो अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का उसके ऊपर चलते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। देखिए जिस प्रकार से भारत जब आज़ाद होता है तो 547 से भी ज़्यादा रियासतें थीं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका क्या है एक करके उनको एक देश के रूप में संगठित किया, उनको एक धागे की माला के रूप में सभी जो मन के हैं उनको पोया और एक माला बनाया, एक देश बनाया। उसी प्रकार से जर्मनी भी क्या है बहुत से टुकड़ों में बंटा हुआ था। अब जर्मनी का एकीकरण के पिता हम कहते हैं बिस्मार्क को, जैसे यहाँ भारत का एकीकरण करने वाला कौन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे जर्मनी का एकीकरण करने वाला था बिस्मार्क। बहुत ज़्यादा चतुर और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, वैसे ही क्या है जैसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वैसे ही। लेकिन जर्मनी को संगठित करने का जो शुरू करने वाला कार्य था वो किसने किया, नेपोलियन ने किया। जब नेपोलियन जर्मनी को जीतता गया उससे पहले जर्मनी जो था वो 300 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ एक देश था, एक देश नहीं कह सकते अलग अलग साम्राज्यों में बंटा हुआ था 300 से ज़्यादा टुकड़ों में। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया इसको 39 स्टेट्स में बांट दिया,
इनको क्या है 300 को इकट्ठा करके 39 राज्यों के रूप में या नेशन स्टेट्स के रूप में बांट दिया गया। अब क्या है 39 राज्य बना दिए। नेपोलियन ने एक सिस्टम बना दिया कि इन 39 के जो भी प्रतिनिधि होंगे, जो भी इन 39 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, उनको क्या है एक संसद के रूप में एक व्यवस्था की गई जिसका नाम था डाइट। कि डाइट में क्या है वो सभी इकट्ठा होंगे और अपने अपनी जो योगदान है जर्मनी के प्रति वो देंगे। किसने शुरू कर दिया ये सिस्टम? नेपोलियन ने शुरू कर दिया। 300 से बदल कर कितने स्टेट से 39 बना दिए। ठीक है, इसकी एंट्री बाद में होती है बिस्मार्क की, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन अभी क्या है अपने देखते हैं कि जर्मनी की स्थिति क्या थी उस समय जब ये एकीकरण होना शुरू होता है। तो देखिए डाइट नाम की एक व्यवस्था है। ठीक है, एक रोमन साम्राज्य है जिसके प्रति सभी की श्रद्धा है। अब ये भी काम आएगा बाद में आपके, अभी याद रखना कि एक डाइट है। डाइट क्या है? 39 के प्रतिनिधियों की एक सभा है, जिस प्रकार से संसद होती है अपने वैसे ही। और एक रोमन साम्राज्य के प्रति सभी की श्रद्धा है। अब देखते हैं कि जर्मनी की स्थिति कैसी थी उस समय। अब जो जर्मनी है वो तीन भागों में बंटा हुआ था। जर्मनी जो है वो तीन भागों में बंटा हुआ था उस समय, यानी जो राज्य थे वो तीन प्रकार से बंटे हुए थे। पहला उत्तरी भाग, दूसरा आएगा मध्य भाग और तीसरा आएगा दक्षिणी भाग। इनके अंदर जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनको देखते हैं। जैसे उत्तरी भाग में पर्सा सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है, पर्सा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है सैक्सनी, सैक्सनी और उसके बाद अलावा फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट या एक इम्पोर्टेंट ये भी है हनोवर। यानी उत्तरी राज्यों में चार इम्पोर्टेंट थे, फ्रैंकफर्ट, हनोवर, सैक्सनी, सैक्सनी। ठीक है, मध्य भाग में क्या है राइनलैंड एक इम्पोर्टेंट था। मध्य भाग में राइनलैंड नाम का क्षेत्र था, ये याद रखने चाहिए आपको। जब अपने एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं राज्यों के बारे में इम्पोर्टेंटली हमने देखना पड़ेगा कि किसको किस प्रकार से जर्मनी के अंदर मिलाया गया। जैसे अपने देखते हैं कि भारत में कश्मीर को मिलाने के लिए, हैदराबाद को मिलाने के लिए, जूनागढ़ जो गुजरात वाला था, इन रियासतों को मिलाने के लिए किस किस प्रकार की टैक्टिक्स जो यूज़ की थी, रणनीति यूज़ की गई, कूटनीति यूज़ की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वैसी बिस्मार्क भी क्या है इन राज्यों को मिलाने के लिए बहुत से प्रकार के प्रयत्न करेगा, वो देखेंगे। तो इसलिए इन राज्यों को नाम याद रखिए आप। वीर मध्य भाग में क्या है राइनलैंड इम्पोर्टेंट था, दक्षिणी भाग में बुटेमबर्ग, बुटेमबर्ग, बवेरिया या बादेन, बुटेमबर्ग, बवेरिया, बादेन या पेल्टिनेट, पेल्टिनेट या फिर हैस फर्मे स्टार्ट, हैस फर्मे स्टार्ट। ये क्या है जर्मनी इस प्रकार से तीन भागों में बंटा हुआ था। उत्तरी भाग है पर्सा, सैक्सनी, फ्रैंकफर्ट, हनोवर। अब देखिए पर्सा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, नेक्स्ट जो है पर्सा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सैनिक शक्ति के दृष्टि से, सैनिक रूप से क्या है सबसे ज़्यादा ताकतवर था पर्सा राज्य। कहाँ है उत्तरी भाग में राइनलैंड, बुटेमबर्ग, बवेरिया, बादेन, पेल्टिनेट, हेस, फर्मे स्टार्ट, ये क्या है दक्षिणी भाग के राज्य हैं। ये क्या है जर्मनी की एकीकरण से पूर्व की स्थिति है। और जर्मनी क्या है याद रखना आप 39 स्टेट्स में बंटा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं जर्मनी को एकीकरण करने के लिए क्या है हमें ये राज्य चाहिए इकट्ठा करने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएं क्या क्या हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अपने कि जर्मनी को एकीकरण क्यों नहीं किया जा सकता था, बीच की जो बाधाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली बाधा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप
देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया का जो विदेश मंत्री था मेटर्निक, वो क्या करता है, वियना कांग्रेस करवाता है, सभी देश के राजाओं को, शासकों को बुलाता है और कहता है कि भी हमें अब क्या है दोबारा से राजनीतिक तंत्र या राजतंत्र को क्या है दोबारा से गठित करना है, लोकतंत्र या स्वतंत्रता की भावना जो है वो लोगों से हटानी है धीरे धीरे। तो ऑस्ट्रिया का मेटर्निक वैसे ही क्या है महत्वाकांक्षी था, इसलिए वो जर्मनी के राज्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि जर्मनी क्या है 300 में बंटा हुआ था पहले तो, लेकिन 39 में बांट दिया नेपोलियन ने, दोबारा बिखर नहीं सकते, ठीक है, किस किस को क्या क्या देंगे वो लड़ाई झगड़े का सवाल हो जाएगा। तो मेटर्निक ने कहा कि इसको हम संभालेंगे भाई, ठीक है, इसलिए मेटर्निक जब बार बार या ऑस्ट्रिया जो है वो बार बार क्या है जर्मनी के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया अकेला नहीं था, इंग्लैंड जो है वो भी क्या है जर्मनी के राज्यों को हथियाना चाहता था। इसके अलावा तीसरी समस्या, फ्रांस भी क्या है इंग्लैंड की तरह ही या ऑस्ट्रिया की तरह ही क्या है जर्मनी के राज्यों को हथियाना चाहता था। इसके अलावा क्या समस्या है, शिथिल सैनिक, शिथिल यानी जो सैन्य व्यवस्था थी ज़्यादातर राज्यों की, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आक्रमण करके या विरोध करके अपने आप को स्वतंत्र करवा सके, जिसके कारण क्या है जर्मनी परतंत्र था या इकट्ठा नहीं हो रहा था, यानी शिथिल सेना थी वहाँ की। इसके अलावा जो लोग थे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो था कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, राजनीतिक रूप से तो बंटा हुआ है ही है, आर्थिक रूप से भी बंटे हुए थे, कहीं अमीर ज़्यादा थे कहीं गरीब ज़्यादा थे, तो वो एक दूसरे का पक्ष लेने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। सामाजिक रूप से बंटे हुए थे, समाज के विभिन्न वर्ग जो थे वो एक दूसरे को भेदभाव की दृष्टि से, हीन भावना से देख रहे थे, ठीक है, और वहीं क्या है धार्मिक रूप से एकता यहाँ पर नहीं थी, यानी कोई प्रोटेस्टेंट को मान रहा था तो कैथोलिक को मानने वाले थे, यानी ईसाई धर्म के दो प्रकार है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है। हालांकि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो जर्मनी से स्टार्ट हुआ है, तो क्या है बहुत से प्रकार के वाद विवाद थे लोगों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण के कारण, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जन जागृति नहीं थी, लोग क्या है जागरूक नहीं थे इस बात के प्रति कि वो क्या कर सके, एक संगठन बना सके, अपने देश को इकट्ठा कर सके, एक राज्य या राष्ट्र के रूप में उसको तैयार कर सके और उसका विकास शुरू कर सके। ये सारी क्या है समस्याएं थी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, शिथिल सेना, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से एकता नहीं होना या जन जागृति का अभाव होना, ये सारी क्या है समस्याएं थी जर्मनी के एकीकरण के बीच में बाधा के रूप में ये क्या है खड़ी थी। लेकिन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो थे वो क्या है इनको इकट्ठा करने वाले थे, इनको इकट्ठा करने वाले दो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, जिनमें अकॉर्डिंग टू योर बुक की दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक तो है अपनी डाइट जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, और सेकेंड है रोमन साम्राज्य। धार्मिक रूप से क्या है या सैद्धांतिक रूप से ये क्या है रोमन साम्राज्य के भगत थे या उनको क्या है मानने वाले थे, ठीक है, भगत का कहने का मतलब ये है कि उनका अनुसरण करने वाले थे, उनकी बातों को मानने वाले थे, उनके सामने ये क्या है एक दूसरे को एकता के साथ सभी जो राज्य हैं वो प्रकट होते थे उनके सामने और उनके हिसाब से कार्य करते थे। सेकंड था अपना डाइट, 39 राज्यों के प्रतिनिधि जिस मंच पर इकट्ठा होते थे वो भी क्या है एक प्रकार का मौका था कि पूरे राज्य को क्या है पूरे जो जितने भी बंटे हुए राज्य हैं उनको एक राष्ट्र का दर्जा दिलवा सके, ये भी क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा जो हमने देखा औद्योगिक क्रांति के समय कि जो व्यापारी वर्ग था या मध्यम वर्ग जो था जिसको क्या है व्यापार के हेतु क्या है एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ता था, वो एक दूसरे की संस्कृतियों को मिला रहे थे, उनको लेके जा रहे थे। इसके कारण क्या है फ़ायदा ये होता है कि व्यापारी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और संस्कृतियों को देखते थे, उनका मिलाव होता था, तो क्या है वो एकता के सूत्र में बंधने शुरू हुए थे। अब एकीकरण के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या थी, डाइट, रोमन साम्राज्य और व्यापारियों का उदारीकरण, ये क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्मनी के एकीकरण में सहायता करेंगे। और समस्याओं को जैसे मैंने बताया था कि शिथिल सैनिक जो थे लगभग राज्यों के, और इसके अलावा
क्या है, धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से लोग बंटे हुए थे, तो ये सारी समस्याएं थी। ठीक है, इसके अलावा हमने राजनीतिक रूप से देखा कि राज्य जो है वो अलग अलग रूप से किस प्रकार से बंटे हुए हैं। अभी जो है वो जर्मनी के एकीकरण का जो विषय है वो शुरू कैसे होता है, किस प्रकार से योजना बनती है और ये एकीकरण किस प्रकार से जाकर पूर्ण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर कोई समस्या है इसके मध्य आपको कोई समस्या आती है तो यू कैन यूज़ योर कमेंट बॉक्स, ओके, फील फ्री टू यूज़ योर कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।